जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। महिलाओं को लेकर समाज का दृष्टिकोण अब बदल रहा है। एक शक्ति के रूप में उभर रही है। बदलते हुए परिवेश में वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। महिलाओं को समान अवसर देने के लिए सरकार कई तरह के कार्य पंचायत स्तर पर कर रही है। महिलाओं और पुरुषों की समानता को ध्यान में रखते हुए सरकार भी महिलाओं को बराबरी के अवसर दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सरकार कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कदम उठा रही है। इसके अंतर्गत लड़कियों की बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली सोच कि लड़की एक बोझ है को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के लिए सरकार उठा रही कदम। महिला हेल्पलाइन योजना। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है। महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाली किसी तरह की भी हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नंबर पर कर सकती हैं। इस योजना के तहत पूरे देश भर में 181 नंबर को डायल करके महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत देश की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उन्हें धुएं और प्रदूषण से मुक्ति मिले। यह योजना महिलाओं को सांस संबंधी बीमारियों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को संवारने व बढ़ाने का कार्य किया जाता है ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वो स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। इस कार्य के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कि कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। महिला शक्ति केंद्र। यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत छात्रों को पेशेवर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयंसेवक ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। 2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में 50% महिला आरक्षण की घोषणा की। सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया, जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएं ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए पास किए कुछ अधिनियम। कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी काफी अधिनियम पास किए गए हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956। दहेज रोग अधिनियम 1961। एक बराबर परिश्रमिक एक्ट 1976। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987। लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994। बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013। महिला सशक्तिकरण व समानता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले सरकार की पहल काफी नहीं होगी, समाज के हर वर्ग को अपना योगदान देना होगा, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और तभी महिलाओं को अपने निर्णय लेने और समानता की भावना के साथ देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भाग लेने का पूरा अवसर मिलेगा। नारी भर रही है सपनों की उड़ान, देश बन रहा है महान।